आपकी आरबीसी टूटती है तो आपका बिलिरुबिन या जॉइंटेस आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कौन सी बीमारियां हैं जिनमें आपको जॉइंटेस होने के चांसेस हैं? मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी आरबीसी टूट रही है, या स्प्लेनोमेगेली आपको है, कई और भी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें आरबीसी टूटती है, ये कॉमन है जो आपको याद रह सकती हैं। और ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें आरबीसी टूटने का डर रहता है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। देखिए, कॉजेज मैंने आपको बताया कि जहां पर आरबीसी आपकी टूटेगी वहां आपका जॉइंटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मली भी आपका जॉइंटिस आपके बिलू बॉडी में बिलिरुबिन सीरम बिलिरुबिन प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब होता है और आपका बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है स्टूल के द्वारा या यूरिन के द्वारा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स नॉर्मली हो सकता है आपकी यूरिन है डार्क कलर की हो, या आपकी स्किन येलो कलर में आ जाए, या येलोइश थोड़ी सी दिखने लगे, या इसके लिए आपकी आँखों की जो वाइट वाली लेयर है वो आपको पीली दिखने लगे, या हो सकता है आपको एब्डोमिन में राइट साइड में पेन हो, आपके पेट में दर्द हो राइट साइड में, लीवर की साइड में, हो सकता है आपको भूख नहीं लगे, नोजिया उल्टी जैसा मन होना, या आपको स्टूल पास सही से न होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। देखिए, नॉर्मल वैल्यू कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है, आप अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो आपका 0.8 मिलीग्राम, और ये आपका होता है 0.2 मिलीग्राम।